जो अनित्य वस्तुएं होती हैं विनाशशील होती हैं, वह भी एकाएक नष्ट नहीं हो पाती हैं, उनको भी क्रम से नष्ट होना पड़ता है, पूर्णतः विलुप्त होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? चाहते ही मर भी नहीं सकते, मरना चाहे चलो मर जाऊं और नहीं मरता है, फिर भी एक क्षण में मर तो सकता है पर नहीं मरता है। मरने के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे क्यों मरते हैं? यानी बच कैसे जाते हैं, नष्ट होकर के भी, यानी प्रयोजन रहित होकर के भी बच जाते हैं। ये जैसे है ना, इसको उठा के पटक दो तो काम करना तो बंद कर देगा। ये जो इसका काम है संग्रह करना, ये तो बंद हो जाएगा, पर ये वैसे देखता रहेगा। इसको भी लुप्त हो जाना चाहिए था ना एकदम से, इसका काम जैसे ही बंद हुआ, गुण बंद हुआ तो गुणी को भी बंद हो जाना चाहिए था, तो वो नहीं होता है। धीरे धीरे होगा, फिर ये सड़ेगा, गलेगा, पड़ा रहेगा। अच्छा, वैसे देखो मरना तो सबको है, लेकिन मरते मरने के लिए भी कितना दिन लग जाता है, एक दिन में नहीं मरता कोई। जन्म लिया फिर मर जाना चाहिए था, पर ये खींचता रहता है, खींचता रहता है, कब कितने दिन, 100 साल जाके मरता है। जो विनाशशील है, अनित्य है, तो उत्पन्न हुआ नष्ट हो जाए। कर्म होता है, शब्द होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, इसकी कहीं कोई नाम निशान नहीं मिलते है ना। ठीक है, ये उत्तर है। तो इसमें क्या है, सभी निर्मित चीजें जो है ये सब व्यवस्थित है, और इनका जो टिकने का समय होता है वो चूंकि संकल्पित होता है। कोई भी चीज़ कितनी देर तक चलेगी, बनी हुई चीज़, इसमें कर्ता का संकल्प होता है, उतने काल तक वो चले ऐसा सोच करके ही वो बनाता है, उसकी संरचना या उतने अवयव को या उतने गुणों को या उसमें इतनी क्रियाशीलता गति रखता है जिससे कि ये इतने तक चले। तो ये सारी वस्तुएं भी ऐसे ही ईश्वर के संकल्प से बनी हुई है।
कोई एक साल जीता है या 10 साल जीता है, 50 साल जीता है, 1 करोड़ साल तक रहेगा, सारे के सारे क्या हैं, रचयिता के संकल्प से हैं। इस तरह से व्यवस्थित है, यानी कि व्यवस्था होने के कारण से ही कोई कार्य एक क्षण में लुप्त नहीं होता। उसके अवयवों को अलग होने में एक प्रकार से व्यवस्था वहाँ बनी हुई होती है और वो एकदम से नहीं हटती है। तो इस कारण से बीच में ईश्वर का एक तरह से कहेंगे हस्तक्षेप होता है। इसलिए ये चीज़ें एकदम नष्ट नहीं होती है। ये ईश्वर के होने में एक लक्षण है, हेतु है। कोई भी चीज़ जो है अनित्य चीज़ बननी शुरू होती है और एक समय तक वो बनती जाती है। बनने के बाद धीरे धीरे वो यद्यपि शुरू से नाश भी होता जाता है उसका, अवयव बदलते भी रहते हैं उसके। किसी भी कार्य वस्तु के जो होते हैं कुछ न कुछ अवयव उसके जाते रहते हैं, जो कि वापस कभी नहीं आते उसमें, उनकी आवृत्ति नहीं होती है। आवृत्ति यदि हो रही है तो फिर वो नष्ट नहीं होगी वस्तु। जिस अनित्य में उनके अवयवों की आवृत्ति नहीं होती है उसका नाश अवश्यम भावी होता है। जिसके अवयव यदि वापस आ रहे हैं, आवृत्ति हो रही है, तो वो परिवर्तन तो होगा उसमें, नाश नहीं होगा। अवयव जब तक विद्यमान रहेंगे, वस्तु अनित्य वस्तुएं तब तक विद्यमान रहेगी। अवयव उसके अगर निकल गए उससे तो उसी के अनुसार उसका नाश होता है, अवयव के रास के आधार पर। तो ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे निर्मित तो हैं, इनमें भी सूक्ष्मता से ईश्वर के ही नियम काम करते हैं। कोई चीज़ जो है लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है, कपास है, जो भी है, ये सभी की सभी ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं कि ये इतने काल तक चलेंगी। हम भी इनके आधार पर ऊपर की चीज़ें बनाते हैं। घड़ा हम बनाते हैं, लेकिन घड़े का संयोग जो है कितने दिन तक रहेगा ये ईश्वर पर निर्भर है। पृथ्वी पार्थिव संयोग कितना चलेगा, कितना चलना चाहिए, लोहा को कितना चलना चाहिए, एल्युमिनियम को कितना चलना चाहिए, ये हमारे ऊपर नहीं होता है। हाँ, हम जितने उसके स्तर बनाते जाएंगे उतना कुछ कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा चलेगा। लेकिन जो आपस में अवयवों के होते हैं, इनके संबंध, ये हमारे हाथ के नहीं होते हैं, ये ईश्वर कृत रहते हैं। इनमें नए नहीं आते, चेतनों में आते हैं केवल। जो जड़ होते हैं उसके केवल जाते जाते हैं, उसके बाद वो जाएंगे, आएंगे नहीं। आएंगे तो एक साथ इकट्ठे आ जाएंगे। मिट्टी से घड़ा ले लिया, एक बार आ गई, बाकी घड़ा छीन ही होगा, पड़ेगा नहीं। लेकिन जो चेतन होते हैं शरीर, उनमें ये नियम होता है, वो बढ़ते हैं। कुछ दिन तक बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद रुकेंगे, रुकने के बाद घटने शुरू होंगे, घटने के बाद अब नष्ट होने लगेंगे। नहीं, उनमें भी जो चेतन शरीर हैं उसमें भी कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो वापस कभी नहीं आते। तभी तो ऊपर ऊपर की चीज़ों में होता है नयापन, लेकिन आधार रूप में नहीं होता है। जैसे कि अब जैसे दांत है, दांत एक बार टूट गया तो दोबारा वो आ जाएगा, लेकिन दोबारा फिर टूट जाए तो अब नहीं आएगा वो। लेकिन वो दांत भी
हाँ बढ़ता तो रहता है, लेकिन जैसे एक बार टूट जाने के बाद बचपन वाला जो टूटता है ना वो तो आ जाता है वापस, और फिर लेकिन वही दोबारा जब टूटेगा तो किसी किसी के आते हैं वैसे नहीं आते हैं फिर, ये सामान्य रूप से नहीं आते। तो अब क्या होगा कि नहीं, अभी एक बार और था उसमें, दो बार का था, तो पहला बार जब पूरा हो गया तो पहले वाले जो थे दोबारे लाने वाले, पहले वाला तो ख़त्म हो गया उसका इसलिए नहीं आया, और दो बार के लिए था, दूसरी बार जब दांत आ गया तो उसको निकालने वाले जो पहले टूटने के बाद अभी बचे थे उसके, पहले वाले के तो एक बार में हो गए साफ पहले के निकलने के बाद, अब दूसरे के लिए बचा था वो दूसरे में हो गया पूरा, अब उसके नहीं रहे, तो ऐसे हुआ अब दीवारें नहीं आएगा उसमें, जैसे चमड़ी भी होती है थोड़ी थोड़ी छिलती है तो ये वापस आ जाती है, लेकिन अधिक थोड़ी छिल जाए तो अब नहीं भरती है वैसे, गड्ढा रह जाता है इसमें, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे होता है, शरीर के भी कुछ अवयव ऐसे होते हैं वो ढीले होते जाते हैं, जैसे पहले चमड़ी रहती है ना तो बहुत वो होती है कोमल सी होती है, लेकिन आगे आगे वो कोमलता नहीं रहती है, कभी नहीं होती है। तो अब वो कोमल भाग जिससे पहले लग रहा था ये वो अवयव निकल गया, वो वापस नहीं आता है दोबारा, वापस आ जाए तो फिर चमड़ी वैसी लगने लग जाएगी, बच्चे की तरह शरीर हो जाएगा, वो शरीर कभी नहीं होता है दोबारा ऐसा। तो इसका मतलब है कि वो जो अवयव थे पहले कोमल वाले वो अब नहीं रहे, वो निकल गए हैं, नहीं वो वाले जो थे ना बचपन में जिससे कोमल चिकना शरीर लग रहा था वो वापस नहीं आया, नहीं बनते हैं मतलब, हाँ थोड़े मोटे वाले बनते हैं, खुरदरे होते हैं, आगे से आगे वो खुरदरा होता जाता है, जैसे चक्की में होता है ना पहले बार आटा जो उसके दांत बना करके पीसते हैं तो आटा चिकना वो होता है, थोड़ा सूक्ष्म होता है पर धीरे धीरे मोटा होता जाता है आटा, वैसे इसके भी आटे मोटे होते जाते हैं और मोटा शरीर में लगता जाता है, वो और मोटा मोटा करता जाता है, इस कारण से शरीर में जो होती है वो कोमलता वाली स्थिति जैसे जैसे समय निकलता है वो मोटा होता जाता है, खुरदरा होता जाता है, और बुढ़ापे आते आते तो गड्ढे दिखने लग जाते हैं शरीर में। तो वो इसीलिए होता है कि उसकी वापसी नहीं होती है, ऐसे शरीर को चलाने के लिए जो वेग होते हैं मन में वो वेग धीरे धीरे कम होते रहते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, दोबारे उसको भरा नहीं जा सकता है। वेग जो होता है जो कि पूरे शरीर को चलाता है, जो भी नस नाड़ियाँ या जो भी है सब चलती हैं, इनसे प्राण चलते हैं जिस कारण से, तो वो जन्म के समय ही भरा जाता है, बस एक बार भर के छोड़ दिया उसके बाद वो निरंतर कम ही होता जाता है, वो वापस भरता नहीं है, उस कारण से शरीर धीरे धीरे शिथिली होता जाता है, यानी इसकी शक्ति कम होती जाती है। तो उसमें तो दोबारे भर लेते हैं ना, इसमें दोबारा नहीं भरने का है, पूरा सिलेंडर बदलता है। नहीं, मन के अंदर आवेग होता है जो इसको चलाता है, वही प्राण को मतलब संचालित करता रहता है, उसके कारण प्राण चलते रहते हैं, वो जब बंद हो जाएगा तो इसकी आयु पूरी हो जाती है, फिर नहीं आगे ये नहीं चला सकता, और उसी के कम होने से शरीर आदि में जो होती है ना स्फूर्ति वो कम होती जाती है, बच्चों में जितनी अधिक होती है स्फूर्ति बड़ों में नहीं होती है, इसके पुर्जे तो हो जाते हैं मोटे बलवान हो जाते हैं लेकिन वो गति उतनी नहीं होती जितनी बाल्यकाल में होती है, आगे की गतियाँ इसकी व्यवस्थित होनी कम हो जाती है, उतना भाग दौड़ नहीं कर सकता जितना छोटा बच्चा करता है, तो
वो एक निरंतर कमी इसमें होती है, क्रम से होती है। तो वो एक निर्धारित है कि इतना रहेगा इसका, और उसको वापस नहीं कर सकते, और उसी के आधार पर ये जीवन आगे आगे जो बढ़ता रहता है। इसके अनेक कोष होते हैं जो बीच बीच में समय आने पर उभरते हैं, दाढ़ी मूछ आदि जैसे आते बाल बाद में आते हैं, तो ये सब कोष होते हैं, भरे तो रहते हैं उसी समय, जन्म में ही होते हैं ये, लेकिन धीरे धीरे समय आने पर एक दूसरे की बात प्रेरित करते करते जो कोशिकाएं होती है वो उभारती आकर के, तो ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं, व्यवस्थित होते हैं। उस व्यवस्था के कारण से एक समय का नियम बन जाता है इसमें, हर चीज़ों में ऐसा ही होगा। तो इसीलिए चाहे सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, शरीर है, कुछ भी है, ये अस्तित्व वाले पदार्थ हैं, सत्ता वाले पदार्थ होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, एक क्रम विशेष में अवस्थित होते हैं। इस कारण से एकदम से कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये अपने उसी क्रम से नष्ट होंगे, यानी समय विशेष तक काम करेंगे ये। तो इसके पीछे कर्ता का केवल संकल्प होता है, और इनमें जो अवयव होते हैं वो एक जैसे होते हुए भी उनमें क्रम विशेष होता है। जैसे अपनी एक उंगली में जो भी पदार्थ है हाड़ मांस से, हाथ की उंगली में वही पैर की उंगली में भी है, लेकिन ये उंगली ऊपर है वो नीचे है, पहले कौन आया होगा, हाथ वाला आया होगा या पैर वाला आया होगा? पहले हाथ आते हैं, पैर बाद में आते हैं, वैसे तो ये नीचे रहते हैं लेकिन आते बाद में। सिर पहले हो जाता है इनमें से, तो अब लेकिन मतलब अवयव तो एक ही है ना, सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें आते हैं समय के बाद बैठते हैं। तो जबकि इनका अपना स्वभाव है, कोई भी किसी के साथ जुड़ सकता है, फिर भी अपना एक क्रम विशेष पर होता है। ऐसे पेड़ पौधों में जो पत्ता सबसे नीचे है वो ऊपर भी हो सकता था, उसकी सामग्री में कोई अंतर नहीं है, जो चीज़ निचले पत्ते में वही चीज़ ऊपर के पत्ते में है, लेकिन वो एक नीच पहले आ गया एक बाद में आया, तो अवयव के कारण से नहीं आया है, वो कर्ता के कारण से उसमें क्रम दिया गया है। हाँ, तो उस नहीं उस व्यवस्था में बाधा आ जाती हो तो ईश्वर से गड़बड़ी नहीं हो सकती है, वो भूल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उसके कार्यों में अगर कोई कार्य उसने करके तो छोड़ दिया, एक केवल बीज बनाता है और तो आगे कुछ करता नहीं है, तो बीज को ठीक परिस्थितियाँ मिल गई तो पूरा खिल जाएगा, लेकिन उसमें अगर बीच में कोई बाधा आ गई तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, वो फिर वैसी विकृत हो जाएगा। लेकिन मूल रूप में जब जोड़ता है ईश्वर आत्मा को जैसे शरीर से जोड़ेगा तो उतना तो वो सब हिसाब करके ही देगा कि इसको इतना मिलना चाहिए, उसी अनुसार से रहता है वो। और सामान्य रूप में मतलब हर शरीर के बीज जो होते हैं एक जैसे ही होते हैं, तो सभी शरीर बराबर विकसित हो सकते हैं, जो छोटा है, बड़ा है, नाटा है, लंबा है, जो भी है, ये सभी के सभी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उतने कम अधिक पुरुषार्थ करने पर होंगे। वो उसके क्या होते हैं, पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण उतने अंग विकसित नहीं होते हैं इसके। हाँ, लेकिन वो मौलिक आवेग नहीं भरेगा,
उसमें कुछ भर बहुत अधिक भर सकते हैं, जैसे कि अपने शरीर सामान्य शरीर अभी है 100 साल तक चलेगा, लेकिन कुछ बहुत विशेष प्रयास करेंगे तो ये 400 साल तक चला जाएगा, वो मन में आवेग भरेगा फिर वो। तो एक शरीर जितना जैसा होता है दूसरे भी वैसा हो सकता है, लेकिन उतने पुरुषार्थ वो उसके पीछे होगा तब, यानी उतनी विकृतियाँ इसके अंदर होती हैं, अवरोध रहते हैं, वो अवरोध यदि हट जाए तो फिर ये भी वैसे हो जाएगा। उसको हटाने के लिए उतने पुरुषार्थ चाहिए, उसको उसके बिना नहीं होता है। तो सामान्य पुरुषार्थ रहता है एक बार हमारा पिछले जन्म का, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, तो वो अन्य निमित्तों से जितना हो गया हो गया, इसी कारण से अगला शरीर भी उतनी चल पाता है। तो मूल चीज़ अपने को देखने का है कि कोई भी जो चीज़ है यहाँ पर वो एक व्यवस्थित रचना है, व्यवस्थित नहीं है, और ये व्यवस्था जो है फिर सिवाय ईश्वर के और किसी भी तरह से संभव नहीं है। ना तो उन अवयवों में ऐसी सामर्थ्य है कि वो ऐसा आकार ले सकते हैं, ना यहाँ के किसी ऐसे कर्ता में चेतन में इतनी सामर्थ्य है कि वो इतना ऐसा बना सकता है। लेकिन है वो बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्थित है, तो व्यवस्था यदि है तो उसको करने वाला कोई चाहिए, और वहीं उसकी विद्यमानता भी होनी चाहिए जहाँ वो कर्म हो रहा है, जहाँ संयोग हो रहा है वहाँ कर्म चाहिए, और कर्म अपने आश्रय में स्थित होकर उत्पन्न होता है, निराधार कहीं भी कर्म उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए जहाँ भी संयोग हुआ है उस संयोग के पास कर्म था और कर्म के साथ उसका आश्रय था, तो इन सभी बीज आदि में पदार्थों में वहाँ ईश्वर की विद्यमानता होने से ही वो व्यवस्था विशेष बनेगी। हमारे अंदर शरीर के अंदर भी शरीर है, इंद्रियां है, इनका मन के साथ संयोग होता है, मन का हमारी आत्मा के साथ संयोग होता है, अंदर भी ऐसे संयोग विभाग होते, तो वहाँ पर वो बैठ कर के किया है, इतना स्थान इसमें चाहिए तब इसमें संयोग विभाग संभव है। अगर नहीं वहाँ देख करके बैठ करके करता करने वाला तो ऐसा संभव नहीं था, तो अब वहाँ और किसकी पहुँच होगी, सिवाय ईश्वर के किसी की पहुंच नहीं हो सकती आत्मा और मन के बीच में, मन और इंद्रिय के बीच में और कोई नहीं पहुंच सकता है। तो ये व्यवस्था जो है ईश्वर के द्वारा ही संभव है। तो इन पदार्थों को देखने से फिर लगता है कि हाँ ईश्वर नामक वस्तु भी है। इस प्रकार से जैसे कहा कर्मकारी तस्य इंद्रियाणां व्यूह, पुरुषार्थ तंत्र, इंद्रियों की ये जो रचनाएं हैं ये भी क्या है, पुरुषार्थ के अधीन है और रची हुई है, ये बनाई हुई है। तो इन सभी चीज़ों में व्यवस्था देखने से, व्यवस्थित होने से इनका एक सबसे बड़ा है कि काल विशेष है सबका, चाहे हमारे शरीर का है, चाहे वृक्ष वनस्पति का है, चाहे किसी का भी हो, ऐसे पृथ्वी सूर्य आदि समस्त संसार जो पूरा संसार है ये एक काल विशेष रखता है अपना। तो इन सभी का जो काल है ये ही बताता है कि इनका ईश्वर के द्वारा है इस प्रकार का संबंध काल से, अन्यथा इनको काल से कोई भी जोड़ नहीं सकता। ऐसे कोई भी कारण नहीं है जो कि किसी वस्तु को काल से जोड़े, इतने काल तक इसको इसके साथ रहना है ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ जो होते हैं सामान्य संयोग तो रहेगा, दो जो होते हैं आपस में जिसके धर्म मिट्टी मिट्टी में मिल जाए ऐसा तो हो सकता है,
लेकिन वो ढेर के रूप में ही मिलेगा, बस एक संयोग होगा, विशेष संयोग नहीं होगा। मिट्टी के ऊपर जो दूसरा बनता है बराबर आधार पर लेकर के, वैसा नहीं होगा, इस तरह का ढेर बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। तो ये सब जो व्यवस्थित क्रम होते हैं वो प्रयत्न पूर्वक होते हैं, बुद्धिपूर्वक होते हैं, संतुलित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपेक्षा से होते हैं। ये ढेर वाले संतुलन में अपेक्षा नहीं होती है, निरपेक्ष होते हैं वो आपस में एक ही तरह का होता है संयोग, एक दूसरे पर पड़ा है वो बस। लेकिन जो निर्मित होती है, जो रचनाएं होती है, उसमें ढेर वाला संयोग नहीं होता है, वो परस्पर सापेक्ष संयोग होता है उसमें। तो सापेक्ष संयोग तभी होगा जब बुद्धिपूर्वक उसको वहाँ पर लाया गया है। तो जितने भी कार्य वस्तुएँ होती है इन सभी में ऐसे ही संयोग हैं, सारे संयोग सापेक्ष होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से रहते हैं। एक आँख दूसरे आँख के बराबर होगी, एक कान दूसरे कान के बराबर होगा, हाथ की उंगली एक दूसरे के अनुकूल ऐसे रहेगी, बराबर होगी। दो हाथ आपस में लंबाई इसकी बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई पैर की लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, परस्पर संतुलित हैं, एक दूसरे के सापेक्ष बने हुए हैं। तो ये सापेक्षता केवल इनको दोनों को देखने वाला और अपनी वो संकल्प से करेगा कि इसको इतना होना चाहिए। आँख की परस्पर दूरी आँख नहीं कर सकती निर्धारित, इसका कर्ता करता है कि इसको इतने दूर पर रहना चाहिए। तो ऐसी अन्य जितनी भी यहाँ पर कार्य वस्तुएँ हैं सब में ऐसा ही समन्वय देखा जाता है, और इसी समन्वय के कारण उनसे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। वो समन्वय जैसे ही हटता है, इधर उधर होता है, ये फिर बेकार हो जाती हैं कि प्रयोजन नष्ट हो जाते हैं। आँख यदि इधर उधर हो जाए तो अब इसमें ठीक से दिखेगा नहीं। तो ऐसे ही हाथ पैर हो जाते हैं, यानी दो पैर अगर छोटे बड़े हो जाए तो आदमी उछल कूद ऐसे करता रह जाएगा, उसको चलना नहीं हो पाता है उससे। तो कहीं भी थोड़ा सा भी असंतुलन हुआ और इसका प्रयोजन गायब हो जाता है। तो ये जो प्रयोजन होते हैं इसके पीछे संतुलन बहुत अधिक अनिवार्य है, और संतुलन हर समय चेतन कर सकता है। तो इस कारण से इन्हीं सब यानी लक्षणों को देख करके ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान करना चाहिए। यानी ईश्वर वस्तुतः एक पदार्थ है, उसके नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन हम नहीं मानते। हमारी मान्यता में होता है ईश्वर नहीं है, तो अपनी इस मान्यता का निराकरण करते रहना चाहिए, और ऐसे ही हेतुओं से लक्षणों से होता है। अगर हम इसकी अन्य कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, अन्य कोई कारण उपस्थित नहीं कर सकते, तो हमें मानना पड़ जाता है कि नहीं यही कारण इसका है, और वो हेतु हम नहीं ला पाएंगे सामने, तो अपनी विपरीत मान्यता बनी रहेगी और उससे हानि होती रहती है। तो इस प्रकार से इन्हीं वस्तुओं के द्वारा ईश्वर की सिद्धि हमको करते रहनी चाहिए, इसमें धीरे धीरे फिर हम सफल हो जाते हैं।